₹500 में एक पोलो मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ऑब्वियसली अर्बन नीड्स जितनी अच्छी नहीं होती, बहुत ज्यादा शानदार रिलैक्स पैंट्स H&M से आधे प्राइस पे, लेकिन डेली लाइफ के लिए यहाँ से लेने की कोई जरूरत नहीं। ज़ारा राजा है। तो आज के बजट शॉपिंग चैलेंज में हम आ गए हैं वेस्ट साइड ज़ारा की बजाने के लिए, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो हमेशा कमेंट्स में कि यार सस्ते वाले अल्टरनेटिव लाओ ज़ारा जैसे ब्रांड्स के। तो यहाँ पे मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि वेस्ट साइड ज़ारा से बेटर है। तो देखते हैं कौन से कपड़े कैसे कैसे कंपेयर होते हैं। चलो तो पहले जाएंगे हम वेस्ट साइड उनकी पूरी की पूरी कलेक्शन चेकआउट मारने। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अंदर घुसते ही बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैजुअल शर्ट से, जो कि आप हर जगह पहन पाओ समर्स में। तो यहाँ पे बहुत शानदार क्वालिटी की कैजुअल शर्ट्स अवेलेबल है। ये 100% कॉटन वाली है और स्लिम फिट में आती है और सिर्फ 1299 की है। ये टाइप की क्वालिटी इतने में मिल जाना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे कलर्स बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन उनमें से मेरे को बहुत ही कम कलर्स पसंद आए। बट हाँ, ऑब्वियसली आप न्यूट्रल कलर से गलत नहीं जा सकते। नेक्स्ट शर्ट्स में चेकआउट करते हैं मैंडरिन यानी कि चाइनीज कॉलर वाली शर्ट्स। यहाँ पे बहुत प्रीमियम क्वालिटी की मैंडरिन कॉलर शर्ट्स हैं और इनका ना स्ट्रेच वाला मटेरियल है, तो और ज्यादा क्लासी फील आएगी। और एकदम अल्ट्रा स्लिम फिट वाली है, तो आपकी बॉडी पे भी बेटर फिट होगी। और इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे अच्छी क्वालिटी में, और वो भी सिर्फ ₹1000 में। लेकिन हाँ, सारे कलर्स मुझे नहीं पसंद आए। इनमें से 2-3 कलर्स ही हैं बेसिक न्यूट्रल वाले जो आप पहन सकते हो। अब वेस्ट साइड की बेसिक WES वाली रेंज से हटके उनकी थोड़ी प्रीमियम रेंज भी है, जिसका नाम है एस्कॉट। वहां की मैंडरिन कॉलर शर्ट्स थोड़ी सी महंगी है, ₹1300 तक की आती है, और ये 100% कॉटन वाली रिलैक्स्ड फिट वाली है। मतलब ये आपकी बॉडी पे मच बेटर फील होंगी, लेकिन इनकी फिट स्ट्रेट आएगी। भाई इनमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और इनकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। अब वैसे शर्ट्स की बात हो रही है और हम क्रोशे वाले ट्रेंड का बात ना करें तो क्या बात है। यहाँ पे ये ब्लैक वाली क्रोशे शर्ट ₹1300 की मिल रही है, जिसका मटेरियल उतना क्रेजी नहीं है, लेकिन फिर भी क्रोशे टाइप का डिजाइन आपको ₹1300 में मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट चलते हैं ओल्ड मनी के 14 की फेवरेट टी शर्ट पे, पोलो टी शर्ट। भाई यहाँ पे अलग अलग कलर्स, अलग अलग डिजाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, स्पेशली इनके बेसिक वाले WES वाली रेंज पे, और वो भी सिर्फ ₹500 में एक पोलो मिल जाएगी आपको यहाँ पे, वो भी अच्छी क्वालिटी वाली। और ये सारी स्लिम फिट में है, और अगर आप बेसिक वाली से हटके कोई डिजाइन वाली लोगे तो वो आपको 800-900 के करीब में मिल जाएगी। जैसे कि ये ग्रीन वाली, जिसके ऊपर एक अलग स्टाइल ऑफ निटिंग है, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको ₹900 देने पड़ेंगे। अब ये अच्छी बात है कि सारी पोलो स्लिम फिट में ही है। वैसे यार ऑलिव वाली से तो ये ब्राउन कलर ज्यादा बेटर लग रहा है। वैसे अगर हम महंगी वाली छोड़ के सस्ती वाली में वापस आए, तो इनमें कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है, वो बेस्ट बात है, मैक्सिमम कलर्स अच्छे हैं। लेकिन हाँ, यहीं अगर इनकी WES वाली रेंज से हटके अगर हम एस्कॉट वाली रेंज पे चले जाएं, तो वहां पे और प्रीमियम टाइप की पोलोज मिल जाएंगी आपको, जैसे कि ये जिपर वाली, जिसके ऊपर एक अलग ही स्टाइल की निटिंग है, और ये आपको रिलैक्स फिट में मिलेगी। लेकिन हाँ, ₹1300 देने पड़ेंगे आपको इसके। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे जा। ऐसे यहाँ पे आपको और प्रीमियम वाली पोलोज मिल जाएंगी, मर्सराइज्ड कॉटन वाली, लेकिन अगेन उसके लिए आपको ₹1300 तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, क्वालिटी जरूर फील होगी आपको वो प्राइस देके। एनीवे, आप थोड़ी सी राउंड नेक टी शर्ट्स भी देख लेते हैं। मैं एकदम प्लेन वाली नहीं देखूंगा, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये ETA वाली जो इनकी रेंज है, उसमें ये रिब्ड वाली टी शर्ट्स आती है। ये आपको ₹900 की मिल जाएंगी, और क्योंकि इसके ऊपर रिब्ड पैटर्न है, तो ये मच 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 मोर क्लासी लगेंगी, और इसमें कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। और अगर हमें ओवरसाइज टी शर्ट भी देखनी हो, तो वो यहाँ पे रिलैक्स्ड फिट के नाम से बिकती है। उनकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल ठीक होती है, ऑब्वियसली अर्बन नीड्स जितनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ₹700 में आपको टी शर्ट के ऊपर डिजाइन बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ मिल जाता है। अब उस डिजाइन का कोई मतलब नहीं होता, कोई फालतू की ही चीजें लिखी होती हैं, लेकिन डिजाइन की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। और ये सारी ओवरसाइज टी शर्ट्स अलग अलग डिजाइन वाली आपको इनकी न्यूऑन वाली रेंज में मिलेंगी, जो कि इनका थोड़ा सा ज्यादा जेंजी टाइप का फैशन वाला सेगमेंट है। अब आ जाते थोड़े बॉटम वेयर पे। भाई वेस्ट साइड में बहुत ज्यादा शानदार रिलैक्स्ड पैंट्स मिलती है, उनका मटेरियल बहुत ही ज्यादा शानदार होता है, लेंथ और स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है, और आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा फ्लो करेंगी ये। और इनकी बेस्ट बात ये है कि ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं, और उससे भी बेटर बात ये है कि ये सिर्फ ₹1000 की है। मतलब इससे सस्ती रिलैक्स पैंट्स आपको कहीं नहीं मिल सकती। और अगर आपको लिनन पैंट्स पहनना पसंद है, तो इनकी ETA वाली रेंज में बहुत बढ़िया लिनन पैंट्स हैं, जो कि पूरी की पूरी H&M को टक्कर देती हैं। मुझे क्यों तोड़ा? और ये आपको ₹1000 में ही मिल जाएंगी, तो H&M से आधे प्राइस पे। एंड इसमें भी अलग अलग कलर्स हैं और अलग अलग मटेरियल, अलग अलग क्वालिटी है, तो इसलिए कुछ ऐसी है जो आपको 1500 की भी मिल सकती है, बट हाँ उसमें क्वालिटी बहुत बेटर होगी। अब थोड़ी शॉर्ट्स भी देख लेते हैं। इनकी न्यूऑन वाली रेंज में ही 1000 से 1200 के बीच में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स मिल जाएंगी। ये टाइप की शॉर्ट्स स्ट्रीट स्टाइल में बहुत बढ़िया लगेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज्यादा फैब्रिक टाइप की ढूंढना चाहते हो शॉर्ट्स, तो इनकी स्टूडियो फिट वाली रेंज में आपको 1000 से कम वाली शॉर्ट्स भी मिल जाएंगी। उनकी क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल होगी, आप स्पोर्ट्स में भी पहन सकते हो, डेली लाइफ में भी पहन सकते हो। और वैसे थोड़ी कम क्वालिटी वाली यहाँ पे 500-600 वाली भी मिल जाती है। अब बात करें जीन्स की, तो मैं जीन्स कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वेस्ट साइड से लो, ना ही ज़ारा से लो, तो जीन्स तो मेरे हिसाब से स्किप ही कर देते हैं। फुटवेयर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जर्मन सैंडल्स, जो बेसिकली बर्कनस्टॉक की कॉपी होती है, वो भी मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा शानदार क्वालिटी में। इतने कम प्राइस में इस टाइप के सैंडल्स इस क्वालिटी में मिल जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और सबको पता है कि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है समर्स का। एनीवे, स्नीकर्स भी यहाँ पे आपको अच्छे मिल सकते हैं अगर आप बहुत ध्यान से ढूंढो तो। मुझे तो सिर्फ दो ही पेयर दिखे, जो दोनों 2000 के हैं, और
स्नीकर्स के अलावा यहाँ पे बेल्ट भी ठीक ठाक मिल जाती है 1000 रुपए तक की, बेसिक मिनिमल वाली। वैसे तो मेरे को यहाँ पे परफ्यूम वगैरह भी दिख गई जिनकी स्मेल ठीक थी, बट मेरे को वीडियो पे कैसे बताना है स्मेल के बारे में मुझे ये नहीं पता। अलग अलग टाइप की काफी प्यारी स्मेल्स आपको 1300 रुपए टाइप में मिल जाएंगी, विच इज ग्रेट। तो भाई बहुत हो गया वेस्ट साइड, अब चलते हैं जारा। जारा में भी हम शुरू करेंगे कैजुअल शर्ट से, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लेकिन 3000 रुपए की मिलती है। तो अगर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली वर्थ इट है यहाँ से शर्ट लेना, क्योंकि आपकी बॉडी पे फॉल बहुत क्रेजी आएगा, कोई और ब्रांड कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन डेली लाइफ के लिए यहाँ से लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही मैंडरिन कॉलर वाली भी यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन अगेन 3000 रुपए तक की पड़ेंगी, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है यहाँ से लेने का। अब आ जाते हैं क्रोशे शर्ट्स के ऊपर। ज़ारा जाना जाता है अपनी क्रोशे वाली आर्ट के लिए, तो ये जिस टाइप के डिजाइन आपको देगा अलग अलग क्रोशे टाइप की शर्ट्स में, वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और ब्रांड से, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ारा राजा है। लेकिन हाँ, ये बहुत महंगे होंगे, तो आपको बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए अगर लेना है तो एक ही लेना लाइफ में। नेक्स्ट थोड़ी हाफ स्लीव वाली शर्ट भी देख लेते हैं। ओ नहीं नहीं, हम ये फालतू बकवास नहीं पहनते, गजब बेइज्जती है। एनीवे नेक्स्ट आ जाते हैं पोलोस पे। यहाँ पे पोलोस के मटेरियल्स बहुत क्रेजी होते हैं, लेकिन अगेन आपको 2500 रुपए तक की मिलेगी ये वाली भी। एकदम ओल्ड मनी स्टाइल है, बहुत अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन महंगी है। और ये 2300 वाली का फैब्रिक बहुत ही ज्यादा शानदार है, बॉडी के ऊपर बहुत अमीरो वाली फील देगा, और अलग अलग न्यूट्रल कलर्स में भी अवेलेबल है। लेकिन अगेन वर्थ इट नहीं है इतनी महंगी चीजें रोज रोज पहनना। वैसे यहाँ पे भी हमें एक अलग निटिंग वाली पोलो मिली सेम कलर में जो वेस्ट साइड में मिली थी, लेकिन वो 3000 से भी ऊपर की थी, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा हमें, और इसका फैब्रिक भी कुछ खास नहीं था। फिर हम आ गए थोड़ी सी प्लेन स्लिप फिट टी-शर्ट्स ढूंढने, जो कि 2000 रुपए की मिल रही थी, और उसका फैब्रिक भी इतना कुछ क्रेजी नहीं था कि उसके लिए 2000 रुपए दिए जाए। इससे 100 times बेटर तो वेस्ट साइड वाली थी। हाँ, इसमें कलर्स अलग अलग अवेलेबल थे, बट लेकिन वेस्ट साइड में भी तो अवेलेबल थे। अब यहाँ की हम ओवरसाइज टी-शर्ट्स पे आए, जो कि सारी 2000 रुपए से ऊपर की थी। टी-शर्ट्स की क्वालिटी बढ़िया थी, मोटी टी-शर्ट्स थी एकदम, जो कि पार्टीज वगैरह में और महंगे इवेंट्स में अच्छी लगेंगी, लेकिन उस पे डिजाइन बहुत ही फुद्दू थे। या तो कुछ बेवकूफों वाला टेक्स्ट लिखा होता है, या फिर डिजाइन की क्वालिटी ठीक ठाक होती है, जो कि वेस्ट साइड में भी दे ही रहे थे वो लोग। अब एक ओवरसाइज टी-शर्ट के लिए 3000 रुपए देने का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। मेरे हिसाब से आपको 1000 रुपए के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए एक अच्छी ओवरसाइज टी-शर्ट, जैसे कि अर्बन नीड्स में मिलती है। और यहाँ पे हम पैंट्स ढूंढने गए, तो एक बड़ी अजीब सी हमें कच्चे वाली पैंट मिली, जो कि देख के हमें समझ नहीं आई 5000 रुपए की भी थी। क्या बवासीर बना दी हो। क्वालिटी ठीक लग रही थी, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर हमने ढूंढी यहाँ पे रिलैक्स पैंट्स, जो कि बहुत शानदार कलर्स और बहुत शानदार फिट्स में मिल रही थी। इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा शानदार था, लेकिन 3000 की थी, तो इसलिए हमने कहा बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। फिर हमने थोड़ी सी लिनन पैंट्स यहाँ पे ढूंढनी शुरू करी, जो कि बहुत अच्छी फिटिंग वाली लग रही थी। उसमें भी कलर्स बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल थे, क्वालिटी तो छू के पता चली रही थी अच्छी है। लेकिन फिर हमने उसका प्राइस टैग देखा, और 4000 रुपए पड़ के हमारी। अब लिनन के फैब्रिक में तुम कितना ही डिफरेंट कर लोगे, इससे अच्छा तो H&M या फिर इससे अच्छा तो वेस्ट साइड। फिर हमने शॉर्ट्स भी देखनी शुरू करी, हमें एकदम डिट्टो कॉपी वाली शॉर्ट्स मिलनी शुरू हो गई, जो कि वेस्ट साइड में मिल रही थी, और वो भी 3 गुना प्राइस पे यहाँ पे। तो हमें काफी यूजलेस लगा यहाँ पे शॉर्ट्स देखना, क्योंकि वेस्ट साइड में मच बेटर वाली अवेलेबल थी। इवन कपड़े वाली जो फैब्रिक शॉर्ट्स थी वो भी 3 गुना प्राइस पे थी, और बल्कि वेस्ट साइड वाली ज्यादा सुंदर थी। बस हाँ, यहाँ पे ये बास्केटबॉल टाइप की शॉर्ट्स अच्छी मिल सकती है आपको। जीन्स भी हमने ज़ारा पे सोचा कि क्वालिटी के लिए तो हम ज़ारा पे जीन्स नहीं लेंगे। वैसे ट्रेंडी वाली ज़ारा पे अच्छी मिलती है, लेकिन हमने कहा वो नेक्स्ट वीडियो के लिए बचाएंगे। अब ज़ारा पे आपको स्नीकर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, दुनिया जहान की कॉपीज मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, और इनकी क्वालिटी भी ठीक होती है, तो आप लेने की सोच सकते हो। और सैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के सैंडल्स थे, लेकिन 4000 रुपए के, इसलिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे, मत खरीदना गलती से भी। बेल्ट्स में भी यहाँ पे बेसिक वाली सारी अवेलेबल थी, लेदर और मिनिमल बकल वाली, और वो भी ब्लैक ब्राउन हर कलर में, जैसे कि वेस्ट साइड पे अवेलेबल थी। तो हमें बेल्ट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बस सिर्फ एक प्राइस था जो कि वहां से 4 गुना का था, लेकिन एक थी जो बहुत भारी डिस्काउंट पे थी। फिर हमने सोचा परफ्यूम्स भी ट्राई कर ले, तो ज़ारा की जो परफ्यूम्स है वो डेफिनेटली वेस्ट साइड से बहुत ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसे भी दे दोगे तो भी वर्थ इट होगा, लेकिन बेस्ट बात यही है कि ज़ारा की परफ्यूम्स बिल्कुल भी महंगी नहीं होती, वेस्ट साइड से बल्कि सस्ती ही थी। और ये ज़ारा के स्टोर में H&M से शॉपिंग करते हुए, एंड बस ज़ारा से शॉपिंग हो गई, मजाक कर रहा हूँ, मैं रिटर्न करने आया था। अब चलते हैं वापस स्टूडियो, एंड अब हम आ चुके हैं वापस स्टूडियो में। आप देख चुके हो कि वेस्ट साइड क्लियरली जीत चुका है ज़ारा से, और जितनी भी चीजें हमने वेस्ट साइड पे देखी उन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन वेस्ट साइड में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें थी कि हमने उनके ऑनलाइन लिंक्स भी ढूंढ के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप आराम से खरीद सकते हो। बाकी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ कि कौन से दो स्टोर्स को हमें कंपेयर करना चाहिए। एंड दैट्स इट, अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही हम गिव अवे करेंगे एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। आपको बस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना है जो इस वीडियो में पूछा गया था। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। ओ ये क्या है, अभी मैं दिखाना।